आज 22 मार्च है और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवस पर बिहार के ही एक होनहार छात्र कुमार आदित्य के द्वारा लिखी गई स्वरचित रचना यह अपना बिहार है लेकर प्रस्तुत है। सुनिए कुमार आदित्य की स्वरचित रचना यह अपना बिहार है। नमस्ते, यह बिहार है। रंग ढंग और ताल मिजाज कोटि यहाँ प्रकार है। नमस्ते, यह अपना बिहार है। सहनाई के धुन ने छोड़ा छाप विश्व अमर में, सहनाई के धुन ने छोड़ा छाप विश्व अमर में, मगध पर बुद्धि बल देखा था संसार सकल समर में, प्यार की भाषा है यहाँ पर तो संग में तलवार है। नमस्ते, ये अपना बिहार है। लिट्टी चोखा और कचौड़ी, फुलती सेकती गर्म पकौड़ी, गम में भी हंसना यहाँ पर, धरती यहाँ की बेमिसाल है। नमस्ते, ये अपना बिहार है। साहित्य जगत में चमकता इस धरा का तेज प्रकाश है, साहित्य जगत में चमकता इस धरा का तेज प्रकाश है, वाल्मीकि बाणभट्ट कवियों को पूछता यहाँ इतिहास है, ताल अलंकार एक नहीं यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार है। नमस्ते, ये अपना बिहार है। दीनकर की तेज वाणी, दीनकर की तेज वाणी और बुद्ध की स्मृति यहाँ है, और सिखों के दसवें गुरु की भी कृति यहाँ है, यहाँ युद्ध है यहाँ विद्ध है। नमस्ते, ये अपना बिहार है। नमस्ते, ये अपना बिहार है। नमस्ते, ये अपना बिहार है। रंग ढंग और ताल मिजाज, रंग ढंग और यहाँ ताल मिजाज कोटि सबके प्रकार है। नमस्ते, ये अपना बिहार है। जी की कृति यहाँ है, रेणु जी की कृति यहाँ है और नागार्जुन की प्रकृति यहाँ है, रेणु जी की कृति यहाँ है, नागार्जुन की प्रकृति यहाँ है। दीनकर की वो पंक्ति, दीनकर की वो पंक्ति आज भी जिह्वा से हट नहीं पाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, आज भी हमें याद आती है, आज भी हमें याद आती है।